ओके तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रैप फीचर किस टाइप से यूज़ होता है। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं रेफरेंस ज्योमेट्री के फीचर्स। रेफरेंस ज्योमेट्री के जो फीचर्स हैं वो इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि बाकी ये सारे एक्सट्रूड रिवॉल्व वगैरह फीचर्स हैं। इसके बिना एडवांस मॉडलिंग करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपने लॉफ्ट फीचर देखा था, लेकिन लॉफ्ट में मैंने ऑलरेडी प्री क्रिएटेड मैंने प्रोफाइल रखी थी, लेकिन वो हेल्प ऑफ न्यू क्रिएटेड बाय प्लेन, बराबर यहाँ प्लेन दिखा है। अभी पहला आज सीखने वाले हैं आज प्लेन। तो प्लेन तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन, लेकिन इतने से सफिशेंट नहीं है। कोई और एडवांस मॉडलिंग के लिए हमें एडिशनल प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं। स्टार्टिंग से हम बिगिन से करते हैं, नॉर्मल से करते हैं कि भाई चलो मेरे पास एक टॉप प्लेन है, बराबर। ओके, मुझे लॉफ्ट एक्टिविटी करनी है, तो लॉफ्ट एक्टिविटी के लिए मैंने एक प्रोफाइल तो मैंने क्रिएट कर ली है यहाँ से। ओके फाइन, लेकिन दूसरी प्रोफाइल मुझे सेम चाहिए टॉप प्लेन के रेफरेंस में ऊपर, लेकिन वो 250 के ऊपर चाहिए, 250 mm के हाइट पे चाहिए, बराबर। तो विदाउट रेफरेंस प्लेन मैं कहाँ से बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाय डायरेक्टली बनाऊँगा तो वो यहीं बनेगा। तो नया प्लेन क्रिएट करने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से प्लेन प्लेन, बराबर। तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस और थर्ड रेफरेंस, मैक्सिमम आप 3 रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन एक रेफरेंस से भी प्लेन अगर क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी पहला रेफरेंस ले रहा हूँ टॉप प्लेन, तो पहले ही मुझे नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आप ये रिलेशन देना चाहते हो, रिलेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं चाहते तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मिनिमम एक डायमेंशन तो देना पड़ेगा। ओके, यहाँ लिखा है फुल्ली डिफाइंड, दैट मीन्स कि अभी जो आप प्लेन क्रिएशन की एक्टिविटी कर रहे हो वो अभी करेक्ट वे में जा रही है, बराबर। ओके, तो मुझे चाहिए 250 mm के ऊपर चाहिए, ये 250 mm आ गया ऊपर, बराबर। और मुझे चाहिए 150 mm, जो चाहिए वो, लेकिन वो ऊपर ही क्यों गया, फ्लिप साइड करोगे तो नीचे आ जाएगा, बराबर, या मिड प्लेन करोगे तो नीचे और नीचे आ जाएगा, बराबर। लेकिन मुझे मिड प्लेन वगैरह नहीं चाहिए, बराबर। सिलेक्ट द रेफरेंस एंड द कंस्ट्रेंट्स, देखो अभी वो चेंज हो गया, जैसे मैंने मिड प्लेन किया वो रेफरेंस चेंज हो गया। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे अभी नॉर्मल करना है, तो मैं टॉप प्लेन लेके यहाँ से कर रहा हूँ 150। ओके, अभी कितनी क्वांटिटी चाहिए, दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्लेन, बराबर। तो मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, तो 150 150 के रेफरेंस से वो क्रिएट होता जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ सिंगल प्लेन ही चाहिए। ओके चलो, तो ये मेरा बेसिक काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया प्लेन 1, बराबर। यहाँ से राइट क्लिक और ये आई बटन पे क्लिक करूँगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा हाइट, जैसे कि बाकी सब प्लेन है, बराबर। राइट क्लिक स्केच, अब इसके ऊपर मैं यहाँ से ये हेक्सागन लेके काम कर रहा हूँ। अगर ये मैं प्लेन नहीं क्रिएट नहीं करता तो मैं लॉफ्ट एक्टिविटी कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि लॉफ्ट के लिए कंपलसरी मुझे प्लेन या हाइट चाहिए चाहिए, विदाउट वो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लॉफ्ट एक्टिविटी क्लियरली हो गई, बराबर, जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था, लेकिन तब हमने प्लेन कैसे क्रिएट करते थे वो नहीं देखा। देखो जैसे ही कोई 3D बॉडी बन गई तो बाकी के भी टूल्स ओपन हो गए, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अभी हम सिर्फ प्लेन पे कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर। ओके, तो ये सिंपल प्लेन तो मैंने क्रिएट करके दे दिया, बराबर, लेकिन और क्या फीचर्स हैं। अभी जो पहला मैंने किया था वो मैंने किसी प्लेन को रेफरेंस लेके दूसरा प्लेन क्रिएट किया था, लेकिन सॉलिड वर्क में हमें और भी एक फैसिलिटी है कि आप फेस को सिलेक्ट करके भी प्लेन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ नीचे वाला, तो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, आइदर ये फेस सिलेक्ट करूँगा तो भी हो जाएगा, बराबर। तो भी प्लेन क्रिएट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, दिस इज़ अ सिंपल थिंग। लेकिन हम कुछ आगे बढ़ते हैं, इन द सेंस ऑफ कि भाई अगर मुझे कुछ सेकेंड रेफरेंस और थर्ड रेफरेंस का किस तरह से मैं यूज़ करूँगा तो वो देखेंगे। ओके, तो मेरे पास एक रेफरेंस ड्राइंग है फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ ओनली, आपको ये सारे ड्राइंग्स डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे, बराबर। तो इस टाइप का कुछ मुझे मॉडल बनाना है, बराबर। तो ये मॉडलिंग के लिए मुझे कंपलसरी 3 रेफरेंस चाहिए, तो ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बराबर। तो पहला पहला ड्राइंग लेते हैं, ये 40x40 वाला, बराबर। मुझे ऐसा कुछ क्रिएशन करना है, बराबर। ओके चलो, तो मैं यहाँ से न्यू ड्राइंग ले रहा हूँ। ओके
यहाँ से रेक्टेंगल टॉप प्लेन और 40 एंटर एंड 40 एंटर करेक्ट, और एक्सट्रूड में मैं यहाँ से कर रहा हूँ 40, तो एक क्यूब क्रिएट हो गया 40 का, बराबर, इट्स इजी थिंग। लेकिन अभी मुझे यहाँ से 10 चाहिए, यहाँ से 10 चाहिए और यहाँ कॉर्नर है, तो 1, 2 और 3 ये तीन रेफरेंस मिला के एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही जाके ये पॉसिबल होगा। चलो तो अभी मैं यहाँ से राइट क्लिक स्केच, अभी मैं करना है मुझे क्रिएट प्लेन, लेकिन मैं स्केच मैंने स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे एक रेफरेंस कुछ भी देना पड़ेगा कि प्लेन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से जस्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, तो उसका डायमेंशन मैं दे देता हूँ एज पर ड्रॉइंग, ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है 10 mm। ओके, ये बीच का और इसके बीच का है 10 mm। तो मैंने दो रेफरेंस दे दिए। नाउ आई एम बैक टू रेफरेंस ज्योमेट्री में, मैं जा रहा हूँ प्लेन में। ओके, तो फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस देखो और थर्ड रेफरेंस, तो ये मेरा प्लेन तीन रेफरेंस की मदद से क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो, बराबर। ओके, तो इसको कंप्लीट कर दो, राइट क्लिक और हाइड। नाउ राइट क्लिक स्केच, तो अभी मुझे स्केच कहाँ करना है, जहाँ हमने रेफरेंस लिया था, तो मैं यहाँ से लाइन लेके ये पॉइंट, ये और यहाँ देखो परफेक्टली वो क्रिएट हो गया। ओके चलो, तो ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया, यहाँ से मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड कट और ये हो गया देखो। तो इस टाइप का ड्राइंग विदाउट प्लेन के बिना कर ही नहीं सकते थे, तो पहला एग्जांपल हमने क्रिएट किया। चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट करते हैं। चलो 40x70 है और 35 का है। ओके, तो मैं ये ड्राइंग को बंद कर रहा हूँ और नया ड्राइंग लिखे टॉप प्लेन 40x70 और एक्सट्रूड है 35 का। ओके चलो, इतना हो गया, तो ये एक स्क्वायर बॉक्स जनरेट हो गया। अब क्या है, यहाँ से 28 है, यहाँ से 9, दैट मीन्स यहाँ से भी 9 ही है और ऊपर से भी 9 का ही डायमेंशन दिया है, तो यहाँ से इस स्पेस पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देखो जनरली एक्सट्रूड कट के लिए हमें क्लोज बॉडी करना कंपलसरी है एज पर रूल्स, लेकिन इस सेशन में मैं को क्लोज बॉडी नहीं करूँगा। देखो ये ओपन बॉडी मैंने क्रिएट कर रखी है, यहाँ से मैं इसका डायमेंशन दे रहा हूँ 9 mm। ओके, 9 एंटर और यहाँ से 9 एंटर, यहाँ है डायमेंशन है 28, तो 28। ओके, इतना होने के बाद मैं एग्जिट स्केच, और यहाँ मैंने क्लोज बॉडी नहीं किया है, डायरेक्टली मैं एक्सट्रूड कट में जा रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा। तो देखो ये उसने सेंस कर लिया, लेकिन वो नीचे का कट कर रहा है, तो मुझे ऊपर का कट करना है, तो मैं यहाँ से फ्लिप साइड कट करूँगा, और कितना करना है, सिर्फ 9। ओके, तो मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, देखो मेरा इतना काम हो गया ना, लेकिन अभी ड्राइंग फिनिश नहीं हुआ है, तो अभी ऊपर से भी इतना ही सेम कट करना है, बराबर। तो यहाँ से स्केच और एक लाइन यहाँ से ले रहा हूँ, ओके, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 15। ओके, इतना होने के बाद फिर से मैं यहाँ से क्लोज बॉडी नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्टली एक्सट्रूड कट में जा रहा हूँ। ओके, देखो इसने परफेक्टली सेट कर दिया और करेक्ट 9 हो गया इतना। अब फिर से रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस एंड थर्ड रेफरेंस हो गया। अब उसके बाद राइट क्लिक हाइड, राइट क्लिक स्केच, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, इसको करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद यहाँ से एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल,
तो ये हमारा ड्राइंग रेडी है, बराबर। सो इस टाइप की ड्राइंग के लिए हमें कंपलसरी रैप प्लेन जनरेट करना ही पड़ेगा। और भी सारे ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग है और भी है, मैं आपको डाउनलोड सेक्शन में दे दूंगा प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ओके। हाँ, लेकिन कोई ऐसा कहे कि भाई ये तो नॉर्मली हमने तीन प्लेन के रेफरेंस से किया, लेकिन मुझे अभी जो प्लेन क्रिएट करना है वो स्पेसिफिक एंगल पे क्रिएट करना है, तो वो भी यहाँ पॉसिबल है। हाँ, नॉर्मली ऐसे केसेस कम आते हैं कि भाई ऐसा कोई ड्राइंग, लेकिन अगर कुछ है कि भाई मुझे स्पेसिफिक एंगल पे काम करना है तो उसके लिए मुझे कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। मैंने एक रेफरेंस के लिए एक लाइन क्रिएट कर दी, यहाँ से मैंने प्लेन लिया, ओके, टॉप प्लेन के रेफरेंस से, तो अभी मैंने टॉप आ गया, सेकंड रेफरेंस ये ले लिया तो ये भी आ गया, बराबर, टॉप और सेकंड के रेफरेंस से आ गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ डिग्री, देखो अभी डिग्री ऑन हो गई, यहाँ मुझे कौन सी डिग्री पे चाहिए, 30 डिग्री पे चाहिए और फ्लिप साइड चाहिए, ओके ना, कितनी क्वांटिटी चाहिए ये देख सकते हो आप, बराबर। तो इतने सारे प्लेन मैंने एक साथ क्रिएट कर लिए 30 के एंगल्स पे, देखो, बराबर। ईच प्लेन में कैपेसिटी है कि आप नया ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अभी मैं प्लेन वन लेके यहाँ से राइट क्लिक और स्केच, और यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया सर्कल, इसको मैं नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ, एक्सट्रूड करो, रिवॉल्व करो, आपको जो एक्टिविटी आपका जिस टाइप का काम है आप कर सकते हो, बराबर। ये देखो, ओके, लाइक दिस, इस पर मुझे काम करना है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ओके। तो प्लेन इज अ असेंशियल पार्ट, प्लेन सबसे असेंशियल है, विदाउट प्लेन हम कुछ नहीं कर सकते सॉलिड वर्क में, जैसे कि लॉफ्ट और बाउंड्री फीचर तो टोटली लॉक ही हो जाएंगे, उसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। सो इस टाइप से प्लेन वर्क करता है, आप नए जितने भी चाहे प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।